नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों, आज तारीख है 3 फरवरी 2020 और यहां पर 4 फरवरी 2020 यानी कि मंगलवार के लिए अपने 3 स्टार सेक्शन में 3 स्टॉक को सेलेक्ट कर लिया है। दोस्तों, उसके लेवल बताने से पहले डिस्क्लेमर अच्छे से पढ़ लें। यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि मेरे द्वारा दिया हुआ स्टॉक्स मूव करे ही। यहाँ पर मैं स्टॉक्स में सिर्फ अपनी रिसर्च और एनालिसिस को आपके एजुकेशन पर्पज के लिए पोस्ट कर रहा हूँ, तो इसमें आप ट्रेड लेने से पहले अपने फैंसी एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर ले। आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की नहीं होगी। दोस्तों, डिस्क्लेमर को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टॉक है हमारे पास बर्जर पेंट का। लेकिन सबसे पहले माफी मांगूंगा इसलिए कि ये जो साउंड आप बगल में बैकग्राउंड में सुन रहे होंगे ना, इसके वजह से काफी तकलीफ हो रही है। मॉर्निंग से बगल में एक शादी का फंक्शन है, तब से इतना नॉइज हो रहा है कि कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ सही से दे नहीं पा रहा हूँ आप लोगों को, तो इसके लिए सॉरी। काफी मुश्किल से ये रिकॉर्ड हो पा रहा है, पूरा डीजे बज रहा है बगल में, तो नॉइज को ध्यान इग्नोर करते हुए दोस्तों शुरू करते हैं। ये बर्जर पेंट का पहला स्टॉक है और ये डेली का चार्ट है। बिल्कुल देखिए, डेली के चार्ट में जबरदस्त तरीके का एक अच्छा छोटा सा वॉल्यूम तो क्रिएट किया है ठीक ठाक, और कैंडल काफी बुलिश है, अपना रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है आज बर्जर पेंट। तो बर्जर पेंट दोस्तों, अगर ये ऊपर की तरफ कल ब्रेक करता है 574 रुपये को, तो बाय करेंगे। बाय 574 पहला टारगेट होगा, 578 578 रुपये का। दूसरा टारगेट होगा 582 582 रुपये का, और तीसरा टारगेट 586 586 रुपये का। स्टॉप लॉस 570 का होगा यानी 570 का। बर्जर पेंट नीचे की तरफ 567 ब्रेक करता है तो सेल करेंगे, सेल बिलो 567 पहला टारगेट है दोस्तों इस कंडीशन में हमारे पास 563 563। दूसरा टारगेट 559 559 और तीसरा टारगेट 555 का होगा यानी 555 रुपये का। स्टॉप लॉस 571 का रहेगा यानी 571 का। दोस्तों, शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी ट्रेड को अवॉइड कीजिए, उसके बाद ही अगर स्टॉक हमारे बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करे तो ही ट्रेड करें, वरना ट्रेड को अवॉइड कर दें। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं, तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए। लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। दूसरा स्टॉक है दोस्तों मुथूट फाइनेंस का। देखिए 15 मिनट का चार्ट है, ट्रायंगल पैटर्न में मुथूट फाइनेंस फंसा हुआ है। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो अच्छा ट्रेड मिलेगा, अदरवाइज यहाँ से नीचे भी आ सकता है। तो मुथूट फाइनेंस कल अगर ऊपर की तरफ दोस्तों 755 ब्रेक करता है तो बाय करेंगे। बाय 755 पहला टारगेट होगा 761 का 761 रुपये का। दूसरा टारगेट 767 767 रुपये का और तीसरा टारगेट 773 773 रुपये का। स्टॉप लॉस 749 यानी 749 का होगा। मुथूट अगर नीचे की तरफ 745 ब्रेक करता है तो सेल करेंगे, सेल बिलो 745 पहला टारगेट है 739 का 739। दूसरा टारगेट 733 733 रुपये का और तीसरा टारगेट है दोस्तों 727 का यानी 727 का। स्टॉप लॉस 751 का होगा यानी 751 का। दोस्तों, अगर फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक आता है तो जरूर अपना 50-70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। थोड़ी नॉइस के लिए माफी मांगूंगा क्योंकि बगल में थोड़ा सा फंक्शन है, तो उसके वजह से परेशानी हो रही है। तीसरा स्टॉक है दोस्तों एस्कॉर्ट का। देखिए डेली का चार्ट, क्या जबरदस्त तरीके का पैटर्न बनाते हुए एस्कॉर्ट ने ब्रेकआउट दिया, काफी ज्यादा वॉल्यूम, काफी ज्यादा बुलिश कैंडल। तो एस्कॉर्ट अगर कल यहां से रिटेस करता है तो एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी, अदरवाइज इस ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगा तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी। तो एस्कॉर्ट अगर ऊपर की तरफ 853 को ब्रेक करेगा तो बाय करेंगे। बाय 853 फर्स्ट टारगेट है 859 का 859 रुपये का। दूसरा टारगेट 865 865 रुपये का और तीसरा 871 871 रुपये का। स्टॉप लॉस लगाएंगे 847 847 का। अगर एस्कॉर्ट नीचे की तरफ 843 रुपये को ब्रेक करता है तो सेल करेंगे, सेल बिलो 843 फर्स्ट टारगेट है 837 837 दूसरा 831 831 और तीसरा 825 का होगा यानी 825 रुपये का। स्टॉप लॉस लगाएंगे 849 849 का। दोस्तों, बिना स्टॉप लॉस के कभी भी ट्रेड ना करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिए। देखिए आज मार्केट की वॉलेटिलिटी की वजह से कोई ट्रेड नहीं हुआ, तो कोई मैंने कॉल भी नहीं दिया, मार्केट साइडवेज था पूरा 1.5 घंटे, तो मैंने फिर अवॉइड कर दिया ट्रेड को। तो वैसे कंडीशन में अवॉइड कर दें करें 1-2 दिन तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए कल से फिर हम लोग रहेंगे लाइव में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप वहां जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं लाइव कॉल्स के लिए।
तो दोस्तों एनालिसिस वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।